कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। कतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं, अपने लहू से हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिसे दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है ये कारवां, ऊंची सी है ये वादियां, है ये जमीन ये आसमां, है ये हवा है ये समां। हर रास्ते ने हर वादी ने हर पर्वत ने सदा दी, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बाजी। कंधे कदमों से कदम मिलते हैं,
हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। Thank you.
कौशल्या डैम पर वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज के तहत आयोजित एक्स राहत की फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन शुक्रवार को की गई। जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे पिंजोर थाना प्रभारी सोमवीर ढाका ने बताया कि पिछले 8 नवंबर से इंडियन आर्मी एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन व इंडियन एयरफोर्स मेडिकल विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए बीते करीब 15-20 दिनों से ट्रेनिंग का कार्य यहां पर चल रहा था, जिसकी आज फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन दी गई। इस मौके पर एसीपी पंचकुला, डीसीपी पंचकुला, इंडियन आर्मी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी सुरक्षा एजेंसियों में आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, गैस रिसाव, बाढ़, जंगलों में लगी आग इत्यादि से निपटने के लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन से काम करती है, उसकी ज्वाइंट ट्रेनिंग की गई। इस मौके पर राहत बचाव कार्य के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सुरक्षा इक्विपमेंट की भी प्रदर्शनी लगाई गई। मौके पर आर्मी, एनडीआरएफ, वियतनाम आर्मी ऑफिसर, जीसीओ जवान, फायर स्टेशन कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, एसडीआरएफ, प्रशासनिक अधिकारियों को मिलाकर कुल 200 लोग मौजूद रहे। इस मौके पर आर्मी सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, एनडीआरएफ कमांडेंट संतोष कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट डूंगरलाल झाकड़, इंस्पेक्टर अशोक कुमार उपस्थित रहे। फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन से पहले करीब 15-20 दिन ट्रेनिंग की गई और आज उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों व आर्मी अफसरों के समक्ष दर्शाया गया कि किस तरह आपदा के दौरान रिस्पांस टीम कार्य कर लोगों को बचाती है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित यह अभ्यास और ट्रेनिंग दर्शाती है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कौशल्या डैम पे अपना कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में बताइए, क्या किस चीज का कार्यक्रम? ये करीब 8 नवंबर से यहाँ पे इंडियन आर्मी के साथ और जो हमारे लोकल डिपार्टमेंट हैं जैसे एनडीआरएफ है, फायर ब्रिगेड है और मेडिकल टीम के साथ एक राहत प्रोग्राम जो हमारे भूकंप और जो हमारी फैक्ट्री जोन में है गैस लीक और जो हमारा फल्ड एरिया में जो गांव गिर जाते हैं उनमें एक राहत प्रोग्राम इंडियन आर्मी के साथ चला गया था जो काफ़ी दिन से 15 दिन से चला था, जिसका आज फाइनल प्रोग्राम था और जिसमें आज इनके लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एरिया आर्मी कमांडर आए हुए थे। और इसमें सर अपने शासन से कौन कौन था सर? हमारे लोकल प्रशासन, हमारे एसीपी साहब पंचकुला और हमारी डीसीपी मैडम पंचकुला आए हुए थे। विशेष सेवा मेडिक जीओसी खंडकोर सीनियर कर्नल नुआन बाहुम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ वियतनाम डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सीनियर कर्नल पिन नाव दाई डिफेंस अटैची टू द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सीनियर कर्नल लू डेंग गेट Delegation leader of the contingent of Vietnam People's Army, all contingent members of the Vietnam People's Army and Indian Armed Forces, senior officials of the civil administration, paramilitary forces, Indian Army, Indian Air Force, and fellow soldiers. Good afternoon and Xin Chao. Vietnam India Bilateral Army Exercise, WinBACS, is based on the theme and deployment of an engineer company and medical team in UN mission. The aim of WinBACS is to foster collaborative partnership, promote interoperability, and share best practices between both sides in United Nations Charter on Peacekeeping Operations and HADR Operations. This edition saw the exercise convert from single service to a bi-service level with the involvement of Air Force of both the nations and extensive employment of drones. Since its commencement on 4th November 2024, Exercise WinBACS has been a melange of training for both nations. Over the last 20 days, armed forces of India and Vietnam have worked shoulder to shoulder in evolving engineering and medical solutions through constructive discussions and shared best practices under the UN mandate. The training grounds of 67th Engineer Bridge Regiment and Military Hospital Ambala have helped both contingents to attain seamless energy in planning and execution of tasks at hand. This was aptly supported by the Indian Air Force and Indian Army Aviation by enabling the tasks using aerial assets. The exercise saw active participation of the members of both delegations, not only in the training grounds, but also in the field of sports, physical fitness and cultural exchange. It was very heartening
to note the lively interaction and exchange of ideas between the participants, leading to enhancement of friendship and understanding of both the contingents. The specialists from Vietnamese People's Army delegation in the field of UXO disposal, demining and specialist medical treatment, including casualty evacuation during disasters, shared valuable inputs and practical solutions to problems faced by troops deployed in such operations. Similarly, the expertise of Indian delegation in the construction engineering tasks, use of new concepts and latest techniques, empowered the Vietnamese People's Army delegates with more knowledge and learning. During the course of exercise, numerous valuable lessons were drawn, which will definitely take us to the heightened level of professionalism.